Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar. Myself, Professor Uran Patel, your instructor for the course Microwave Engineering. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about power on the transmission line. So from our basic knowledge of voltage and current on the transmission line, we have derived formula for the average power on the transmission line. And the formula for the average power is P average is equal to mod V plus square divided by 2Z0 e raised to minus 2 alpha x into cos theta. We have also calculated one simple numerical on power on the transmission line. Now today we will start the new topic, which is स्मिथ चार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्मिथ चार्ट क्या होता है? सो आपको नाम से पता चलता है कि चार्ट है, मतलब कुछ ग्राफिकल मेथड है, कुछ ग्राफ जैसा होगा. चार्ट मतलब ग्राफ जैसा कुछ होगा. सो व्हाट इज द स्मिथ चार्ट? सो स्मिथ चार्ट इज बेसिकली ग्राफिकल मेथड for analysis of transmission line. तो बच्चों अब तक हमने transmission line का analysis किया है mathematically. So we have analyzed the transmission line mathematically. तो उसमें हमने क्या क्या find किया? If you recall, then we have find out expression for the input impedance on the transmission line, okay, using impedance transformation relation. As we know, we can find out impedance on the transmission line. We have also derived formula for the reflection coefficient, that is gamma L. We have also derived expression for the VSWR, that is rho. We have also discussed about transmission coefficient on the transmission line and many more. So हमने अब तक मैथमेटिकली ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस किया और बहुत सारे पैरामीटर्स के फॉर्मूला भी डिराइव किए. तो ये सब जो चीज है, इनपुट इम्पीडेंस है, रिफ्लेक्शन कोऑफिशिएंट है, VSWR है, ये सब चीज हम ग्राफिकली भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए फाइंड कर सकते हैं. सो यूजिंग स्मिथ चार्ट वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट ऑल दिस थिंग ग्राफिकली. लेट मी गिव द सिंपल एग्जाम्पल. सपोज मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन है और ये ट्रांसमिशन लाइन का लोड इम्पीडेंस सपोज ZL है. ZL इज द लोड इम्पीडेंस, ओके, एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस सपोज Z0 है. एंड लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज लेट्स से L, स्मॉल L इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. तो अगर मुझे ये लाइन के लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो रिले फॉर्मूला कौन सा होगा? याद करो, गामा एल इज इक्वल टू जेड एल माइनस जेड जीरो डिवाइडेड बाय जेड एल प्लस जेड जीरो डिवाइडेड बाय जेड एल प्लस जेड जीरो. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन मैथमेटिकली. सिमिलरली अगर मुझे इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करना है, दैट आई कैन यूज इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन एंड आई कैन इजिली फाइंड आउट. तो मैथमेटिकली तो हम ये चीज फाइंड कर सकते हैं. सिमिलरली अगर मुझे ग्राफिकली भी ये सेम चीज ट्रांसमिशन लाइन के लिए फाइंड करना है तो मैं स्मिथ चार्ट का यूज करके वो चीज कर सकता हूं. सो बेसिकली आई कैन से दैट स्मिथ चार्ट इज अ ग्राफिकल टूल फॉर एनालिसिस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. अब ये स्मिथ चार्ट होता क्या है उसको समझते हैं, ओके. तो आज के लेक्चर में हम स्मिथ चार्ट को बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं कि स्मिथ चार्ट में होता क्या क्या है और कौन सी चीज कहां पे होती है. सो बेसिकली स्मिथ चार्ट इन्वेंटेड बाय फिलिप स्मिथ इन 1940s और उसके नाम से ही ये स्मिथ चार्ट का नाम स्मिथ चार्ट रखा है. सो बेसिकली स्मिथ चार्ट वॉज इन्वेंटेड बाय फिलिप स्मिथ इन 1940s और उसके नाम से ही उसका चार्ट का नाम स्मिथ चार्ट रखा है. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ स्मिथ चार्ट? सो स्मिथ चार्ट कैन बी यूज
टू डिस्प्ले सेवरल पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन लाइक इम्पीडेंसिस, एडमिटेंसिस, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, VSWR, स्कैटरिंग पैरामीटर एक्सेट्रा। तो ये स्कैटरिंग पैरामीटर वर्ड आपके लिए नया है, डोंट वरी, वी विल डिस्कस अबाउट द स्कैटरिंग पैरामीटर इन अवर फ्यूचर लेक्चर्स, डोंट वरी। नाउ सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्मिथ चार्ट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मिथ चार्ट्स अवेलेबल? सो देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ स्मिथ चार्ट्स अवेलेबल। वन इज इम्पीडेंस स्मिथ चार्ट, दैट इज नोन एज अ जेड चार्ट। अनदर इज, सेकंड वन इज एडमिटेंस स्मिथ चार्ट, विच इज बेसिकली नोन एज अ वाई चार्ट। एंड थर्ड इज द इमिटेंस स्मिथ चार्ट, विच इज द वाई जेड चार्ट। सो बेसिकली इम्पीडेंस स्मिथ चार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस में। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडमिटेंस एंड इमिटेंस स्मिथ चार्ट। बट यहां पे आप देख सकते हो कि जो इमिटेंस स्मिथ चार्ट है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस स्मिथ चार्ट, बिकॉज ये वाई जेड चार्ट है। इट मीन्स इट कंबाइंस इम्पीडेंस एज वेल एज एडमिटेंस, करेक्ट। अब ये स्मिथ चार्ट में क्या होता है वो देखने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स लुक एट अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ स्मिथ चार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ स्मिथ चार्ट। सो बेसिकली इम्पीडेंस स्मिथ चार्ट कंटेन टू मेजर एलिमेंट्स, इट कंटेन टू मेजर एलिमेंट्स विच आर इन फॉर्म ऑफ सर्कल्स, विच आर इन फॉर्म ऑफ सर्कल्स और आर्क, विच डिफाइन द शेप एंड डेटा रिप्रेजेंटेड बाय स्मिथ चार्ट। तो बेसिकली हम अगर स्मिथ चार्ट को देखेंगे तो उसमें आपको सर्कल्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे, सर्कल्स। ये सर्कल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द स्मिथ चार्ट, ओके। एंड विच आर दैट सर्कल रिप्रेजेंट्स, दिस सर्कल्स आर बेसिकली नोन एज कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स एंड कॉन्स्टेंट रिएक्टेंस सर्कल्स। सो आर रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस, एक्स रिप्रेजेंट द रिएक्टेंस। तो बेसिकली अगर बच्चों में आपको बताऊं तो हमारा जो स्मिथ चार्ट है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट प्लेन, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट प्लेन एंड इम्पीडेंस प्लेन। मतलब हम अगर स्मिथ चार्ट को देखेंगे तो हमें इम्पीडेंस प्लेन देखने को मिलेगा और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट प्लेन देखने को मिलेगा। और इम्पीडेंस प्लेन जो है उसमें दो सर्कल से बनता है, ये इम्पीडेंस प्लेन जो है वो दो सर्कल से बनता है। कौन से दो सर्कल से? कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल से और कॉन्स्टेंट रिएक्टेंस सर्कल से। बिकॉज हमें पता है कि इम्पीडेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर प्लस आई एक्स, सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस विच हैज टू पार्ट, वन इज द रेजिस्टेंस पार्ट विच इज द रियल पार्ट एंड अनदर इज द एक्स आई एक्स, दिस इज द इमेजनरी पार्ट विच रिप्रेजेंट द रिएक्टेंस। सो बेसिकली इम्पीडेंस प्लेन इज मेड अप फ्रॉम द कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल एंड कॉन्स्टेंट रिएक्टेंस सर्कल्स। सो लेट मी शो यू द कॉन्स्टेंट, लेट मी शो यू द स्मिथ चार्ट। तो ये आपका स्मिथ चार्ट है, आपका स्मिथ चार्ट ऐसा दिखेगा, आपका स्मिथ चार्ट ऐसा दिखेगा, ओके। तो आप देख सकते हो उस पर बहुत सारे सर्कल्स है, ये सर्कल्स है, ऐसे भी मतलब आर्क्स भी है। तो ये जो आपको कंप्लीट सर्कल दिख रहे हैं सब, वो सब आपके कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल है, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, देखो यहां पे एक, यहां से स्टार्ट होता है एक सर्कल, यहां पे है ये सर्कल है, है ना, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, राइट। ये सब अंदर अंदर छोटे छोटे, मतलब ये भी सर्कल्स है, दिस ऑल आर सर्कल। जितने भी आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, दिस ऑल आर कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स, ये सबको हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल। ये सब सर्कल्स है, जितने भी सर्कल्स है उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल। आप देख सकते हो ये सब जो सर्कल्स है उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स। ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये पूरा हो गया, ओके, ये बड़ा वाला हो गया, देखो। सो लेट मी शो यू दिस वन एज वेल। सो दिस ऑल आर कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स, ये कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल है, ओके। ये सब यहां तक,
यहां तक सब कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल है, ओके। और कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल कहां पे है, तो फिर तो ये कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल मतलब ये जो आर्क्स आपको दिख रहे हैं, ये आपको सपोज मान लो कि ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है, सपोज ये सेंटर लाइन है स्मिथ चार्ट की, तो उसमें अभी मैं आपको कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल दिखाने को जा रहा हूं। तो बेसिकली कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल जो आर्क्स आपको दिख रहा है, ये सब आर्क है, देख आप देख सकते हो कि ये आर्क है, ये भी एक आर्क है ना, ये सब आर्क जो दिख रहा है आपको, दिस आर नथिंग बट दिस आर द कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल, ये कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल, ये जब आर्क है ना वो कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है, ये सब कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है, ये सब जो सर्कल आपको दिख रहा है, आर्क जो आपको दिख रहे हैं वो कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल्स है, ये सब कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है। सिमिलरली लाइन के ऊपर ये सब कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है, सिमिलरली लाइन के नीचे भी हमें आर्क दिख रहे हैं, ये सब भी कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है, ये भी सब कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल्स है। तो जो आर्क जो है वो कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो कंप्लीट सर्कल है जो मैंने बताया दैट रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल, ये सब कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है, आप देख सकते हो। बेसिकली दिस रिएक्टेंस रिप्रेजेंट द रिएक्टिव पार्ट इन द इंपीडेंस एंड दिस सर्कल रिप्रेजेंट द रेजिस्टिव पार्ट ऑफ द इंपीडेंस। समझ में आ गया, डन। तो ये और ये दोनों से ये कंबाइंडली जो प्लान बनता है, ये रेजिस्टिव सर्कल, ये रेजिस्टेंस सर्कल, और ये रिएक्टेंस से जो पूरा प्लान बनता है उसको हम बोलते हैं इंपीडेंस प्लान। क्या बोलते हैं? इंपीडेंस प्लान। तो ये पूरा इंपीडेंस प्लान है, ओके, उस पे विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस सर्कल एंड रिएक्टेंस सर्कल। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि ये लाइन के ऊपर जो रिएक्टेंस है वो आपका पॉजिटिव रिएक्टेंस होगा, दैट इज सपोज मेरा इंपीडेंस जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स है, सपोज आर प्लस जे एक्स है, मतलब यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे प्लस साइन है, प्लस साइन मतलब आपका जो रिएक्टेंस है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव रिएक्टेंस क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज अ लाइन अबव दिस, दैट इज अ सर्कल्स अबव दिस लाइन, ये लाइन के ऊपर जो सर्कल्स है वो सब पॉजिटिव रिएक्टेंस आपको दे रहे हैं, मतलब पॉजिटिव रिएक्टेंस है, और पॉजिटिव रिएक्टेंस मतलब इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस, पॉजिटिव मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो मतलब ये जो सेंटर लाइन है इसके ऊपर का जो रिएक्टेंस है वो क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये जो लाइन है उसके नीचे ये जो है वो नेगेटिव रिएक्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव, दैट इज द जेड इज इक्वल टू आर माइनस जे एक्स, सपोज आर माइनस जे एक्स है, तो आप देख रहे हो कि यहां पे माइनस साइन, माइनस साइन मतलब आपका रिएक्टेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव रिएक्टेंस हम कहां पे मतलब डिस्प्ले करवाएंगे, सो नेगेटिव रिएक्टेंस आर सोन बिलो दिस लाइन, ये लाइन के नीचे जो आर्क्स है रिएक्टेंस है वो नेगेटिव रिएक्टेंस है, और नेगेटिव रिएक्टेंस बेसिकली कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये सब बेसिक आपको याद रखना है, मतलब आपको जब भी रिएक्टेंस आप दिखा रहे हो और पॉजिटिव रिएक्टेंस है तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और उसको आपको कहां पे दिखाना है, ये जो सेंटर लाइन है उसके ऊपर, मतलब ये जो सर्कल्स है, मतलब ये जो आर्क्स है, ये आर्क्स क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव रिएक्टेंस, दैट इज इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये जो सेंटर लाइन है उसके नीचे जो आर्क्स आपको दिख रही है ये रिएक्टेंस रिएक्टिव सर्कल है, वो बेसिकली नेगेटिव रिएक्टेंस दिखा रहा है, विच इज नथिंग बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इतना पता चल गया, सो स्मिथ चार्ट बेसिकली कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ सर्कल्स, वन इज द कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल, कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल, और कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल, ये जो पूरे सर्कल्स है यहां पे इसके रिस्पेक्ट में जितने भी हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ये कॉमन पॉइंट है, आप देख रहे हो ये सब कॉमन पॉइंट के बाहर हम ऐसे रेजिस्टेंस सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब लेट मी शो यू सेपरेटली। तो सपोज ये मेरा स्मिथ चार्ट है, तो यहां पे सबका पॉइंट है, यहां से एक सर्कल निकला, ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल, ये भी कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल, ये भी कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल, ये भी कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल, सो ऑन। एंड एक रिएक्टिव सर्कल कहां पे रहेंगे, ये सब रिएक्टिव सर्कल है, ये रिएक्टिव सर्कल्स, ये सब रिएक्टिव सर्कल है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये दोनों से ये जो पूरा प्लान बनता है इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंपीडेंस प्लान, राइट। और ये जितने भी सर्कल्स है उसके मतलब वैल्यू भी है, रेडियस भी है, देखो आप देख सकते हो,
कि यहां पे देखो, ये सर्कल की मैं बात करूं, ये सर्कल की बात करूं, तो इसकी वैल्यू सपोज यहां पे 1 है। ये सर्कल की बात करूं मतलब ये 1.2 है, मतलब ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये सर्कल जहां पे 1.2 लिखा है, मतलब वो 1.2 रेजिस्टेंस का सर्कल है। कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस का सर्कल है? 1.2 ओम का सर्कल है, रेजिस्टेंस वैल्यू 1.2। ये 1.8 का है, 1.6 का है, ये 1.8 का है, ये 2 का है, एंड सो ऑन। तो ये जो पूरी वैल्यूज आपको दिख रहे हैं वो अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस सर्कल दिखा रहा है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि यहां पे कि ये रिएक्टेंस जो आर्क है, ये रिएक्टेंस का जो आर्क है, यहां पे भी वैल्यू नोट डाउन है। मतलब 1.2 क्या दिखा रहा है कि आपका रिएक्टेंस 1.2, इंडक्टिव रिएक्टेंस 1.2 है। ये 1.4 का आर्क है, ये 1.6 की आर्क है, ये 1.8 की आर्क है, ये 2 की आर्क है, एंड सो ऑन। ये 3 की आर्क है, ओके okay? और यहां पे आप 0.9 देख रहे हो, 0.8 देख रहे हो, मतलब यहां पे 0 होगा, ओके okay? 0 से लेके ऐसे ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी उसकी, और यहां पे इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंडक्टिव रिएक्टर, मतलब रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। सिमिलरली रेजिस्टेंस भी आप देख रहे हो कि यहां पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, मतलब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब यहां पे रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा बेसिकली एट दिस पॉइंट। ओके, तो आपको पता चल गया कि व्हाट आर दी कांस्टेंट रेजिस्टिव सर्कल, कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल। डोंट वरी, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है अभी इस लेक्चर में। नाउ ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल बनता कैसे है, हाउ दिस कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल मतलब फॉर्म। सो फर्स्ट स्टेप, सेट ऑफ लाइंस रिफर टू द कांस्टेंट रेजिस्टेंस लाइन फॉर्म्स द सर्कल्स। तो मैंने आपको बताया कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल। सो कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल बनता कैसे है, मैं आपको ये बता दूं। सो कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स आर एसेंशियली व्हेन रेजिस्टेंस पार्ट ऑफ द इम्पीडेंस हेल्ड कांस्टेंट एंड व्हाइल द वैल्यू ऑफ एक्स वेरीज। मतलब आपका जो इम्पीडेंस है, दैट इज जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, आर प्लस जे एक्स, उसमें ये जो रेजिस्टिव पार्ट है वो हम कांस्टेंट रखेंगे और रिएक्टिव पार्ट को वेरी करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी गिव द सिंपल एग्जांपल। सपोज मेरे पास इम्पीडेंस ZL इज इक्वल टू आर प्लस आई एक्स है, आर प्लस आई एक्स है, ओके। एंड सपोज मैं आर की वैल्यू 1 कंसिडर करता हूं, लेट से आर इज इक्वल टू 1, एंड एक्स की वैल्यू चेंज करता रहता हूं, एक्स की वैल्यू क्या करता हूं? वेरी करता रहता हूं, तो मुझे अलग अलग इम्पीडेंस मिलेंगे। सो वॉट आई विल गेट, ZL इज इक्वल टू एक टाइम मुझे 1 प्लस, सपोज मान लो कि आई 0 मिला, फिर बाद में सेकंड टाइम ZL इज इक्वल टू 1 प्लस आई 3 मिला, ZL इज इक्वल टू 1 प्लस आई 4 लिखा मैंने। मतलब यहां पे आप देख रहे हो कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, दैट इज 1, बट मेरा रिएक्टिव पार्ट है वो वेरी कर रहा है। तो ये जब मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल मिलेगा। मतलब कि मेरा रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस सर्कल कांस्टेंट है, सिर्फ कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है? रिएक्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, ओके? तो मेरा प्लॉट कुछ ऐसा होगा, इस केस में मेरा प्लॉट कुछ ऐसा मिलेगा। आप देख सकते हो कि मेरा जो रेजिस्टिव सर्कल है वो तो एक ही वैल्यू का है, सपोज ये 1 वैल्यू का रेजिस्टिव सर्कल है, तो देखो ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे मैं रिएक्टेंस की वैल्यू चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे मुझे रिएक्टिव लाइन जो है वो अलग अलग मिल रही है। ये मेरी 3 वैल्यू का रिएक्टेंस कर्व है, ये मेरा सपोज मान लो कि -4 मतलब 4 वैल्यू का रिएक्टेंस सर्कल है, ओके, और ये 1 का लाइन है। तो मैंने, आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस पार्ट कांस्टेंट है, वो सबके लिए सेम है, ये तीनों जो पॉइंट है यहां पे मार्क है सबके लिए रेजिस्टेंस कितना है? 1 ही है। लेकिन मैंने क्या चेंज किया? रिएक्टेंस चेंज किया, यहां पे 3 है, यहां पे -4 है, तो जैसे यहां पे रिएक्टेंस 0 है, यहां पे रिएक्टेंस 0 है, तो जैसे जैसे मैंने रिएक्टेंस चेंज किया वैसे वैसे मुझे रिएक्टिव लाइन जो है वो चेंज होती जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस लाइन सेम रहेगी। तो मुझे क्या मिला? कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल मिला बेसिकली। ये तीनों को मैं ज्वाइन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल। सो कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल ऑन द स्मिथ चार्ट इज फॉर्म बाय कीपिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट एंड चेंजिंग द रिएक्टिव पार्ट, ओके। सिमिलरली अगर मैं मल्टीपल कांस्टेंट आर सर्कल आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हो कि ये कोई एक फिक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस सर्कल है, ये दूसरी फिक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस सर्कल है, ये 0.5 वैल्यू का रेजिस्टेंस सर्कल है, सपोज मान लो ये 1 वैल्यू का रेजिस्टेंस सर्कल है, तो ये मल्टीपल कांस्टेंट आर सर्कल है। मतलब यहां पे ये सर्कल पे मैंने क्या किया, सर्कल हमें कब मिला?
जब यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है और रिएक्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है, और रिएक्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है, तब मुझे क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल मिला ये ब्लैक वाला। सिमिलरली मैंने यहां पे ये येलो वाला कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल प्लॉट किया, ये कब मिला, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने 0.5 रखी फिक्स और रिएक्टेंस की वैल्यू हमने चेंज की रही, दैट इज ये यहाँ पे 4 है रिएक्टेंस की वैल्यू, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे रिएक्टेंस की वैल्यू 0 है, एंड सो ऑन। तो दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ मल्टीपल कॉन्स्टेंट आर सर्कल, गिव्स द इमेज लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल कॉन्स्टेंट आर सर्कल है, ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट द इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट कॉन्स्टेंट सर्कल रिप्रेजेंट द बाउंड्रीज ऑफ दिस स्मिथ चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इनर मोस्ट मतलब यहां पे जो छोटा सा इनर मोस्ट सर्कल होगा कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस, और ये आउटर मोस्ट ये वाला सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला जो रेजिस्टेंस सर्कल है, सो इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ द स्मिथ चार्ट। यहां पे बाउंड्री है, ये स्मिथ चार्ट की बाउंड्री है, तो इनर मोस्ट सर्कल यहां पे होगा और ये आउटर मोस्ट सर्कल है, ओके। एंड इनर मोस्ट सर्कल, इनर मोस्ट सर्कल इज बेसिकली रिफर्ड एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब जो इनर मोस्ट सर्कल होगा उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, एंड आउटर मोस्ट रेजिस्टेंस हैज द जीरो रेजिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट पे हमें जीरो रेजिस्टेंस मिलेगा बेसिकली, और ये पॉइंट पे हमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिलेगा। यहां पे उन्होंने इनर मोस्ट सर्कल को ब्लैक कंसिडर किया, लेकिन मैंने एकदम उसका भी अंदर का कंसिडर किया, ओके, इसका भी अंदर का मैंने कंसिडर किया है, ओके, तो समझ में आ गया। इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट कॉन्स्टेंट आर सर्कल रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ द स्मिथ लाइन स्मिथ चार्ट, द इनर मोस्ट रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, एंड आउटर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट द जीरो रेजिस्टेंस, क्लियर, ओके। अब कॉन्स्टेंट रिएक्टेंस सर्कल कैसे बनते हैं मैं वो आपको चीज दिखाता हूं। तो जैसे कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल कब बनता था, कि रेजिस्टिव पार्ट को हम फिक्स रखते थे कॉन्स्टेंट एंड रिएक्टेंस चेंज करते रहते थे। सिमिलरली यहां पे कॉन्स्टेंट एक्स सर्कल आर जनरेटेड व्हेन इम्पीडेंस हैज फिक्स रिएक्टेंस, मतलब रिएक्टेंस फिक्स रहेगा बट वेरिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे और रिएक्टेंस फिक्स रखेंगे तो हमें कॉन्स्टेंट रिएक्टिव सर्कल रिएक्टेंस सर्कल मिलेगा, ओके। तो लेट मी गिव द एग्जाम्पल, सपोज मान लो कि मेरे पास इंडक्टेंस ZL इज इक्वल टू R plus IY है। सपोज मैं Y रिएक्टेंस की वैल्यू 1 कंसीडर करूं, 1 फिक्स कर दूं और R की वैल्यू चेंज करता रहता हूं। R की वैल्यू कहां से कहां चेंज होती है हमें पता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर मैं रिएक्टेंस की वैल्यू फिक्स रखूंगा, रिएक्टेंस की वैल्यू तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, रिएक्टेंस की वैल्यू मैं अगर फिक्स रखूं, मतलब मैं लेट से रिएक्टेंस यहां पे फिक्स कर देता हूं, ये मेरा रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी और रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं चेंज करता रहता हूं, रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं चेंज करता रहता हूं, मतलब ये रेजिस्टेंस मिला, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, तो ये सबसे जो मुझे मिलता है वो कॉन्स्टेंट रिएक्टेंस सर्कल मिलता है, वो क्या मिलेगा मुझे, कॉन्स्टेंट रिएक्टेंस सर्कल। सो इफ आई हेल्ड रिएक्टेंस कॉन्स्टेंट वाइल आर रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर इज वेरिड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड इज प्लॉटेड, देन आई विल गेट द कॉन्स्टेंट रिएक्टेंस सर्कल। तो यहां पे देखा है, देखो यहां पे क्या है कि मैंने रिएक्टेंस फिक्स कर दिया, कितना, 1 वैल्यू का रिएक्टेंस 1 है, यहां पे रिएक्टेंस 1 है, यहां पे भी रिएक्टेंस 1 है और यहां पे भी रिएक्टेंस 1 है, सिर्फ क्या वेरी कर रहा हूं, रेजिस्टेंस। तो एक बार रेजिस्टेंस 1 लिया तो ये सर्कल मिला, दूसरी बार रेजिस्टेंस 0.5 लिया तो ये वैल्यू मिला, तीसरी बार रेजिस्टेंस ले से 0.2 का लिया तो मुझे ये रेजिस्टेंस सर्कल मिला ग्रीन कलर का। तो ये अलग अलग जो सर्कल्स दिखा रहे वो अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू डिनोट कर रहे हैं, कि मैं रेजिस्टेंस चेंज करता रहता हूं और रिएक्टेंस की एक ही लाइन है, देखो ये रिएक्टेंस फिक्स है, यहां पे रिएक्टेंस 1 है, यहां पे भी रिएक्टेंस प्लस 1 है, यहां पे रिएक्टेंस प्लस 1 है और ये सब पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट रिएक्टेंस सर्कल मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट रिएक्टेंस सर्कल। समझ में आ गया, डन। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे नोट डाउन करो कि द लाइंस इन अपर हाफ रिप्रेजेंट द पॉजिटिव रिएक्टेंस व्हाइल दोज इन द लोअर हाफ रिप्रेजेंट द नेगेटिव रिएक्टेंस, मतलब ये लाइन के ऊपर का जो रिएक्टेंस है वो पॉजिटिव रिएक्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, और नीचे का जो रिएक्टेंस है वो कौन सा है, नेगेटिव रिएक्टेंस विच रिप्रेजेंट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके।
और मैं ये दोनों को कंबाइन करूं, ये रिएक्टेंस रिएक्टिव पार्ट और रेजिस्टेंस चार्ट दोनों को मैं कंबाइन करूं तो मुझे कंप्लीट स्मिथ चार्ट मिलेगा। सो द कंप्लीट स्मिथ चार्ट इज ऑब्टेन बाय टू सर्कल्स, ओके, और उसका सुपर इम्पोजेंस मुझे क्या मिलेगा, कंप्लीट स्मिथ चार्ट देगा। तो ये सर्कल जो है वो मेरा रेजिस्टेंस सर्कल है, मतलब रेजिस्टिव पार्ट है इंपीडेंस का, और ये जो आर्क है वो सब मेरा रिएक्टेंस है, ओके, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से सुपर इम्पोजिशन से मुझे कंप्लीट स्मिथ चार्ट मिलेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये लाइन के अबोव जो रिएक्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा और लाइन के नीचे जो रिएक्टेंस होगा वो नेगेटिव रिएक्टेंस होगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस में भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनर मोस्ट सर्कल है, ये इनर मोस्ट सर्कल है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी, और जो आउटर मोस्ट रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस जीरो। तो इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट रेजिस्टेंस सर्कल रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ दिस स्मिथ चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो हमने अब तक क्या समझा कि ये जो सर्कल सर्कल्स है वो क्या रिप्रेजेंट करे, वो चीज हमने स्मिथ चार्ट पे समझी। अब हम क्या करेंगे कि एक सिंपल एग्जाम्पल लेके स्मिथ चार्ट पे कैसे इम्पीडेंस को प्लॉट करते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो हम क्या करते हैं कि आप देखो एग्जाम्पल क्या है, प्लॉट इम्पीडेंस ZL इज इक्वल टू 50 प्लस I100 ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज 50 ओम। अगर एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन है जिसका लोड इम्पीडेंस है 50 प्लस I100 ओम, ओके, और ये लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है 50 ओम, दैट इज Z0 इज इक्वल टू 50 ओम। तो इसको मुझे स्मिथ चार्ट पे सिर्फ प्लॉट करना है, स्मिथ चार्ट पे क्या करना है, प्लॉट करना है। तो हमें पता है कि रेजिस्टिव पार्ट यहां पे कितना है, 50, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 50 ओम का कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिएक्टेंस कितना है 100, मतलब पॉजिटिव रिएक्टेंस है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 ओम का कॉन्स्टेंट रिएक्टेंस सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम स्मिथ चार्ट पे क्या फाइंड करेंगे, 50 ओम का रेजिस्टेंस सर्कल फाइंड करेंगे पूरा, और दूसरा क्या फाइंड करेंगे, 100 ओम का कॉन्स्टेंट रिएक्टेंस सर्कल फाइंड करेंगे, ओके, और ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दो सर्कल का, दैट इज माई लोड इम्पीडेंस ZL, करेक्ट। फिर से यहां पे मैं सब कुछ रफ कर देता हूं, सो यू विल गेट द क्लियर फ्रेश स्मिथ चार्ट, सो ऑन दैट यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द वैल्यूज, करेक्ट, ओके। अभी आपके पास क्लियर फ्रेश स्मिथ चार्ट है, तो आपको क्या प्लॉट करना है बेटा, बच्चों ZL प्लॉट करना है, मतलब ये ZL किससे बनता है, कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल से और कॉन्स्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है, तो 50 वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल ऑफ द वैल्यू 50, 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्स्टेंट रिएक्टेंस सर्कल्स ऑफ वैल्यू 100। तो यहां पे देखो कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस 50 ओम का कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल आपको कहीं पे दिख रहा है वो चेक करो पहले। तो यहां पे आप देखे कि मतलब यहां पे अगर मैं देखो तो ये सब जो वैल्यू है आप देख रहे हो, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.2, ये सब वैल्यू, मतलब आपको कहीं पे भी 50 दिख नहीं रहा है। सिमिलरली रिएक्टेंस पे देखो, रिएक्टेंस पे भी हमें 50 कहीं पे नहीं दिख रहा है, देखो ये सब कैसा है, 0.5 है, 0.7 है, 0.8, 1.2 है, 1.8। तो अब ये प्लॉट कैसे करेंगे, ये तो दिक्कत हो गई कि 50 ओम का मतलब कोई सर्कल ही नहीं दिख रहा है। सिमिलरली हमें 50 ओम का रिएक्टेंस मतलब 100 ओम का रिएक्टेंस सर्कल भी नहीं दिख रहा है, तो करेंगे क्या। तो बच्चों एक चीज याद रखो कि हम जो भी इम्पीडेंस स्मिथ चार्ट पे प्लॉट करें वो ऑलवेज नॉर्मलाइज इम्पीडेंस होता है। कौन सा होगा, नॉर्मलाइज, जो भी इम्पीडेंस हम यहां पे प्लॉट करेंगे वो कौन सा होगा, नॉर्मलाइज इम्पीडेंस होगा, मतलब ये जो इम्पीडेंस हमारे पास है ZL उसको मुझे नॉर्मलाइज इम्पीडेंस बनाना पड़ेगा। पहले उसका नॉर्मलाइज इम्पीडेंस फाइंड करो, जिसको मैं बोलूं ZNL, क्या बोलूं मैं, ZNL। तो ZNL क्या होगा, ये ZL है, ये हमारा इम्पीडेंस है, उसको मुझे नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज कैसे करते, याद करो मैंने आपको सिखाया था हमारे थियोरी लेक्चर में, हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आपके पास इम्पीडेंस है उसको नॉर्मलाइज इम्पीडेंस में कन्वर्ट करना है, उसको नॉर्मलाइज इम्पीडेंस फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, इम्पीडेंस को कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से डिवाइड कर दो। सो इफ
गिवन इंपीडेंस इज डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस यू विल गेट द नॉर्मलाइज इंपीडेंस। तो यहां पे लोड इंपीडेंस जो है उसको मुझे नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस फाइंड करना है, तो उसको मुझे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से डिवाइड करना है। तो यहां पे ये जो पूरा है उसको कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ZNL इज इक्वल टू 50 प्लस I100 डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। तो मुझे नॉर्मलाइज इंपीडेंस मिल गया 50, तो ये क्या मिलेगा बच्चों, 1 प्लस 2J, राइट, 2I, 1 प्लस 2I, दिस इज माय नॉर्मलाइज इंपीडेंस। अब ये नॉर्मलाइज इंपीडेंस में आप देख रहे हो कि क्या दिखा रहा है, कि रेजिस्टेंस सर्कल ऑफ वैल्यू 1 एंड रिएक्टेंस सर्कल ऑफ वैल्यू 2, रेजिस्टेंस सर्कल ऑफ वैल्यू 1, रिएक्टेंस सर्कल ऑफ वैल्यू 2। तो पहले रेजिस्टेंस सर्कल ऑफ वैल्यू 1 का फाइंड करो, तो आप देख रहे हो कि ये जो सर्कल है पूरा सॉरी यहां पे थोड़ा लाइन, ये जो पूरा सर्कल है वो वन वैल्यू का कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल है, ये वन वैल्यू का कांस्टेंट रेजिस्टेंस, यहां पे देख रहे हो आप वन, ये वन वैल्यू दिख रही है आपको, ओके। तो आपने कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल ऑफ वैल्यू 1 तो आइडेंटिफाई कर लिया है यहां पे। दूसरा अब क्या करना है कि 2 का कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल आप फाइंड करो, तो 2 का कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल आपको कहां पे मिलेगा, लेट मी फाइंड आउट इट एंड लेट मी मार्क इट बाय रेड पेन। तो आप देख सकते हो कि यहां पे ये सब रिएक्टेंस है, ये सब रिएक्टेंस है और ये पॉजिटिव रिएक्टेंस है, तो हमें कहां पे चेक करना है, ये सेंटर लाइन से ऊपर के अपर हाफ में, अगर नेगेटिव होता तो मैं लोअर हाफ में चेक करता। तो यहां पे देखो 2 का, तो ये 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है, 0.9 है, 1 यहां पे, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिल गया। तो ये 2 का कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है, ये वैल्यू 2 का कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है, ये कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है। और ये दो सर्कल हमने देखा, ये कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है और एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल है, और उसका जो इंटरसेक्शन है वो हमें क्या देगा, इंपीडेंस ZL, नॉर्मलाइज इंपीडेंस ZL, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज द इंपीडेंस ZL ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। मतलब ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है दोनों का क्रॉसिंग इंटरसेक्शन, ये पॉइंट में दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स योर ZL, ZNL। तो ये हमने क्या किया, इंपीडेंस को स्मिथ चार्ट पे प्लॉट किया, स्मिथ चार्ट पे प्लॉट किया, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 प्लस I2, समझ में आ गया, I2 ओम। तो इस तरह हम इंपीडेंस को स्मिथ चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं, करेक्ट। सिमिलरली अगर नेगेटिव रिएक्टेंस होता तो वो कहां पे आता, यहां पे आता, अगर मेरे पास सपोज ZNL इज इक्वल टू ऐसा है, लेट मी टेल यू, ZNL इज इक्वल टू 1 माइनस 2I, मतलब रेजिस्टेंस सर्कल ऑफ वैल्यू 1, तो ये ग्रीन कलर का रेजिस्टेंस सर्कल ऑफ वैल्यू 1 है, और यहां पे रिएक्टेंस सर्कल माइनस है, मतलब माइनस 2, तो माइनस 2 कहां पे होगा, रिएक्टेंस सर्कल कहां पे चेक करना है, नीचे की साइड, नीचे की साइड चेक करना है, तो नीचे की साइड चेक करो, तो लेट मी शो यू। तो आप देख सकते हो कि यहां पे 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, तो नीचे जाएंगे तो ये 1 आया, ये 1 का कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है, तो 2 का कहां पे होगा, ये रहा, ये माइनस 2 का कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है, और ये माइनस 2 का जो कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है, और ये 1 का रेजिस्टेंस सर्कल है, उसका जो इंटरसेक्शन है यहां पे, दैट इज माय दिस इंपीडेंस ZNL, दैट इज 1 माइनस 2I। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 माइनस 2I, ओके। तो इस तरह हम इंपीडेंस को, कोई भी इंपीडेंस को नॉर्मलाइज करके उसको हम स्मिथ चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं, समझ में आ गया। सो दिस हाउ वी कैन प्लॉट एनी इंपीडेंस ऑन दिस स्मिथ चार्ट। तो याद क्या रखना है, यहां पे सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है
कि जो भी आपने इम्पीडेंस है उसको पहले नॉर्मलाइज करो, नॉर्मलाइज करने के बाद ही हम उसको स्मिथ चार्ट पे प्लॉट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो भी इम्पीडेंस है, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, वो सब नॉर्मलाइज है, वो नॉर्मलाइज वैल्यू है। ये रेजिस्टेंस की नॉर्मलाइज वैल्यू है, ये रिएक्टेंस की नॉर्मलाइज वैल्यू है स्मिथ चार्ट पे। तो मुझे कोई भी इम्पीडेंस हमारे पास है उसको हमें प्लॉट करना है, तो पहले उसको हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने के बाद हम ऐसे उसको प्लॉट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट एनी इम्पीडेंस ऑन द ट्रांसमिशन, सॉरी ऑन द स्मिथ चार्ट। समझ में आ गया? ओके, अब एप्लीकेशन ऑफ स्मिथ चार्ट देख लेते हैं। विच आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ द स्मिथ चार्ट। सो स्मिथ चार्ट्स फाइंड एप्लीकेशन इन ऑल एरियाज ऑफ आरएफ इंजीनियरिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन इंक्लूड्स इम्पीडेंस कैलकुलेशन ऑन द ट्रांसमिशन लाइन ऑन एनी लोड, मतलब हमें इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे लोड इम्पीडेंस दिया है और बोला है कि जेड इन फाइंड करो और वो सब, मतलब इम्पीडेंस कैलकुलेशन करना है तो इससे कर सकते हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। फिर एडमिटेंस कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, एडमिटेंस मतलब वन ओवर इम्पीडेंस, एडमिटेंस को वाई से डिनोट करते हैं एंड वाई इज नथिंग बट वन ओवर इम्पीडेंस, दैट इज वन ओवर जेड। फिर कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्ट सर्किटेड पीस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ये यूज होगा। डिटरमाइनिंग द VSWR अमंग अदर्स, मतलब आपको VSWR फाइंड करना है ट्रांसमिशन लाइन का तो भी आप स्मिथ चार्ट का यूज करके VSWR फाइंड कर सकते हैं। ये सब चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम्पल लेके मैं आपको हम डिस्कस करेंगे कि VSWR कैसे फाइंड करते हैं, फिर लोकेशन लेंथ ऑफ द शॉर्ट सर्किटेड पीस कैसे फाइंड करते हैं, वो सब चीज हम हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आज हमने जो स्मिथ चार्ट का बेसिक पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू विद द अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस स्मिथ चार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।